सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। क्या शिवराज सिंह गिरा देंगे कमलनाथ की सरकार? कोहरे का कहर, कई ट्रेनें रद्द तो कई का रूट किया गया डायवर्ट, यात्री परेशान। ठंड से ठिठुरे भगवान, भक्तों ने पहनाए गर्म कपड़े और कंबल। अब खबरें विस्तार से। भोपाल कमलनाथ को मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए अभी एक हफ्ते का भी समय नहीं बीता है और न ही मंत्रिमंडल बना है, लेकिन सरकार के गिरने गिराने की बातें शुरू हो गई है। ये मुद्दा इसलिए उठ रहा है क्योंकि बुधवार को पूर्व मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बयान दे दिया कि उन्हें हो सकता है कि उन्हें अपने पुराने निवास यानी श्यामला हिल्स वाले मुख्यमंत्री निवास में वापस होने में 5 साल से भी कम का समय लगे। भोपाल उत्तर भारत में पड़ रही भीषण ठंड का असर अब ट्रेनों पर भी दिखने लगा है। ठंड के साथ घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी भी कम होने लगी है, जिसका सीधा असर ट्रेनों पर पड़ने लगा है। कोहरे के कारण कुछ ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द किया गया है, साथ ही कुछ का रूट भी चेंज भी किया गया है। वहीं कुछ ट्रेनें मेंटेनेंस के कारण भी लेट और रद्द हो रही हैं। ग्वालियर शहर में सर्दी पूरे शबाब पर है। ठंड से बचने के लिए इंसान तरह तरह के जतन कर रहा है, वही श्रद्धालु भगवान को भी ठंड से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ग्वालियर में भी भक्तों ने साईं मंदिर में भगवान को ठंड से बचाने के लिए कई तरह से इंतजाम किए हैं। प्रतिमा को गर्म कपड़े पहनाने के साथ ही हीटर की भी व्यवस्था की गई है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।